बाबू जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? बाबू जी, पूरे शहर में मैं गया था, रुपयों का इंतजाम कहीं से नहीं हो पाया, मुझे रुपए चाहिए। जानता हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जानते हैं तो आप खामोश क्यों बैठे हैं? पैसों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? मुझे 50 लाख रुपए चाहिए बाबू जी, 50 लाख रुपए चाहिए। बेटे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें देता नहीं। बेटे मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो आप क्या चाहते हैं बाबू जी, कि 50 लाख रुपयों के लिए मैं अपनी जानकी को मरने के लिए छोड़ दूं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मैं कुछ नहीं जानता बाबू जी, मुझे मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए बस। बेटे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने पैसे छिपा के रखे हूं और मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूं। और घर के हालात से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। अगर आप 50 लाख रुपए नहीं दे सकते तो इस घर का बंटवारा कर दीजिए। सुमित्रा, अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है कि अब मुझे जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। जानकी को मैं ही सबसे बुरी लगती हूँ, उसे मुझी से बैर है। उसे जो कहना था वो कह चुकी है, अब हमें सोचना है कि क्या किया जाए। मुझे मालूम था कि वो एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। ये तो कहिए कि वो पागल हो गई, वरना बहुत पहले ही अपना चूल्हा अलग कर चुकी होती। सुमित्रा, सुमित्रा, किसी को कोसने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे वो हमारा बेटा हमसे अलग करना चाहती है और आप कह रहे कि मैं उसे कोसूं भी ना। सुमित्रा, इस घर को एक रखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज पहली बार मेरे बेटे ने बंटवारे की बात कही है। ये सब उसी कुलच्छनी के चलते हो रहा है। अरे उन्हें हमसे अलग हो के क्या मिल जाएगा? मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं, ये सब 50 लाख रुपए की वजह से हो रहा है। 50 लाख रुपए का इंतजाम मैं करूंगा, भले इसके लिए मुझे अपने आप को क्यों ना बेचना पड़े। बाबूजी, मैं जानती हूं मैं इस घर के लिए पराई, लेकिन इस घर ने मुझे सहारा दिया, आप लोगों का प्यार मिला है मुझे, इस बेसारा को सहारा दिया आप लोगों ने। संजना बेटी, हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा। नहीं बाबूजी, अब इस घर की दुख तकलीफ इन सब में मेरा बराबर का हिस्सा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं परिवार का टूटना क्या होता है। 50 लाख रुपए का इंतजाम मैं करूंगी। मैं
लिया। आपने बाबूजी से इतनी बड़ी बात कह कैसे थी? आपने जरा भी नहीं सोचा कि हम लोगों के दिलों पर क्या बीते? शांत, इस वक्त मेरे दिमाग में जानकी के अलावा किसी और का ख्याल नहीं है। बस भैया, भाभी का ख्याल हमें भी है, लेकिन इसके लिए आपके दिमाग में घर के बंटवारे की बात भी कैसे आई? मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी हाल में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए बस। भैया, आप रुपयों के लिए इस घर का बंटवारा कर देंगे? दोबारा तुम मेरे मुंह से वही बात सुनना चाहोगे? निशांत, मैंने हर जगह कोशिश की, हर जगह, कहीं से कुछ नहीं, तब जाकर मैंने यह फैसला किया है। भैया, मैंने आप में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा, और इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। सब कुछ होते हुए भी क्या हासिल हुआ निशांत? क्या हासिल हुआ? कभी किसी ने सोचा कि अगर वो 50 लाख रुपए मैं किडनैपर को नहीं दूंगा तो वो लोग जानकी का क्या हाल करेंगे? किसी ने सोचा? भैया, हमें राम लक्ष्मण की तरह लोग मानते हैं। आज वही राम लक्ष्मण से अलग होने की बात कर रहा है। 14 बरस के वनवास के बाद सीता राम के साथ थी, लेकिन फिर भी उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी 14 बरस के बाद। लेकिन मेरी जानकी, उसने तो जब से मुझसे शादी की है तब से सिर्फ अग्नि परीक्षा ही दी है। इन हालात में हमें बड़े ठंडे दिमाग से और सब्र से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम तैश में आकर इस घर की बुनियादी हिला दें। निशांत, जानकी मेरी पत्नी है और इस घर का हिस्सा भी है। किसी भी हाल में अब मैं उसे किसी भी तरह के दुख का सामना नहीं करने दूंगा, किसी भी तरह दुख का। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, किसी एक की सजा पूरे परिवार को मत दो। बेटी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। आ जाओ बेटी, वरना इस बात का बोझ लेकर हम इस घर में सांस नहीं ले पाएंगे कि हमारी बड़ी बहू ने हमें ठुकरा दिया है। मैं जानती हूं भाऊजी, मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी। उस घर में आपके अलावा किसी ने मेरी कद्र नहीं की, किसी ने। पहली बार आपकी बात मैं नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। जानकी, ये क्या है? तुम रो रही हो, तुम्हें यहां किसी बात की तकलीफ है क्या? मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, मैं उनके लिए रो रही हूं जिनकी वजह से मुझे दुख पहुंचा है। कौन कौन है जिसका दुख दर्द तुम्हें इतना सता रहा है? देखो जानकी, चौधरी खानदान में कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम अपने आंसू बहाओ। आप नहीं समझोगे। अरे, मुझसे बेहतर चौधरी खानदान को कोई और समझ ही नहीं सकता है। अरे, उन लोगों ने सिर्फ दूसरों का अपमान करना सीखा है। अरे, उन्होंने ही तो तुम्हें खून के आंसू रुलाया, तुम भूल गई क्या? लेकिन अब मेरी जिंदगी में बाकी रह क्या गया? बहुत कुछ बाकी रह गया है जानकी। तुम्हारा पति है उस घर में, ये वक्त यही है कि तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें तुम्हारा पति चाहता है या तुम्हारा पति अपने माँ बाप, अपने घर बार, अपने भाई बहन को चाहता है। यही तो जानना है तुमको।
लेकिन अगर मेरी किस्मत में मेरे पति का सुख लिखा है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। किस्मत किस्मत किस्मत, जानकी कब तक तुम अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़कर रखोगी? अरे तुम्हारा हक मारा गया है, तुम्हें उस घर ने पागल बनाकर घर से निकाल बाहर किया है। अरे ये वक्त है मुकाबला करने का, डट कर अपना अधिकार अपना हक वापस लेने का, और तुम किस्मत के भरोसे छोड़ रही हो अपने आप को। लेकिन लेकिन मैं क्या लड़ूंगी, क्या मुकाबला करूंगी? मुझे जो कहना था मैं जाकर कह के आई हूँ, लेकिन फिर भी उस घर में खामोशी छाई है ना। क्या करूंगी, चुपचाप बैठ जाओगी? नहीं ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। अरे उसी घर ने तुमको उस घर ने पागल बनाकर घर से निकाल बाहर फेंक दिया था, याद है तुमको या नहीं, या सब भूल गई हो तुम? अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, धक्के मार कर तुम्हारी उसी सास ने उसी घर से बाहर फेंक दिया था, सब भूल गई तुम? किसी बात का बदला नहीं लेना है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बाकी बची है, तुम्हें जीना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। बस इतना याद रखना कि उस घर के भीतर कदम मत रखना, और वैसे भी जब तक 50 लाख रुपए नहीं मिल जाते मैं तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा। 50 लाख रुपए मिल गए उसके बाद तुम यहां से गई, और अगर उस घर में तुमने कदम रख दिया तो बस इतना याद रखना कि तुम्हारी आगे की जिंदगी भी बिल्कुल बेकार चली जाएगी, कूड़ा हो जाएगी, ये याद रखना तुम। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं उस घर में कभी कदम मत रखना, बस इतना याद रखना वही घर है, वही सास है, वही पति है, सबने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था याद रखना, भूलना नहीं है। अब आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रणवीर जी ने सागर से मिलना कम कर दिया है। नैना, वो इंसान इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सागर को पाने के लिए वो हर कोशिश करेगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। लेकिन उसकी कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं होगी। नैना, तुम उस इंसान को नहीं जानती, उसने दूसरों की खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए जीना सीखा है। अगर उन्हें अपनी खुशियों के साथ जीना है तो जिए, लेकिन दूसरों की जिंदगी में उन्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। नैना, सागर के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। माँ जी, अभी उसे सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जब पता चल जाएगा वो खुद रणवीर सिंह से दूर हो जाएगा। जब तक वो हिंदुस्तान में है मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। हर रात मुझे यही डर लगता है कि कहीं सुबह होते ही सागर मुझे छोड़कर कहीं चला ना जाए। अब डरिए मत माँ जी, आपका ये डर आपको और कमजोर बना देगा, बल्कि ऐसी स्थिति में तो आपको ताकत से काम लेना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। रिश्तों की चुभन बहुत अजीब होती है नैना, क्या पता जिस बेटे पर मैं अपनी जान छिड़कती हूँ कल वो अपनी माँ को छोड़कर किसी और को जाने लगे। नहीं माँ जी, सागर ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपना वतन, अपना देश और अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान करे तेरा कहा सच हो नैना। ये लो चाय। कभी कभी तो हमको लगता है कि तुमसे शादी करके हमने अपनी पहचान ही खो दी है। क्यों? अरे तुमको इतनी बड़ी पहचान, मिसेस तिवारी का तमगा मिल गया है, अब और कौन सी पहचान करनी थी तुमको? अरे हम इस पहचान की बात नहीं कर रहे हैं, तुमको क्या पता शादी के पहले हमारे क्या क्या अरमान थे, क्या क्या सोचती थी मैं कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूंगी। क्या डांसर?
वो नचनिया, वो जो नौटंकी पार्टी में नाचती है, वो बनने का अरमान था। अरे छी 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 छी, अरे अच्छा ही हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ जो तेरा अरमान अधूरा रह गया, वरना तो तेरे परिवार की नाक कट जाती। क्या नाक कट जाती? हाँ क्या नाक कट जाती? तुमको कुछ पता भी है? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अरे मैं क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य की बात कर रही हूँ। वो क्या नाम था? हाँ, सितारा देवी सोनल मानसिंह का नाम कभी सुना है तुमने? ये कौन है? ये तेरे साथ वो स्कूल में पढ़ती थी क्या? अरे तुमको कुछ पता हो तब ना, बस तुमको तो बस अपना प्रशांत और ये वो सब मालूम है। नहीं तू बहुत बड़ी डांसर बनती है। अरे देख घंटी बजवाई, खोल। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओ ना, डांसर बनने का शौक है और उठा नहीं जा रहा है, है? बैठ गई जहाँ धम्म से वही बैठी है। तुम प्रशांत, खुश रहे खुश रहे। क्या बात, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ? वो मामा जी, मानसी का दो दिन से कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता मामा जी, आखिर वो जा कहां सकती है? अरे प्रशांत, ये तो खुशी की बात है, अगर मुंह मांगे मुसीबत बिना बताए चली जाए तो ये तो अच्छा शगुन है। अरे भूल जाओ उसे, अब मैं तेरी शादी पूरी धूमधाम से कराऊंगा। हाँ। अरे ये क्या पूरी जिंदगी शादी ही करता रहेगा? अरे अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है। देखो प्रशांत, अब हमारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, बस तू एक ही बात मत करना, कभी अपने मामा से अलग जाने की बात मत करना। मामा जी ये कोई कहने वाली बात है? मैं आपसे अलग हो सकता हूँ क्या? प्रशांत, मैंने तुझे अपना भांजा नहीं बेटा माना है, बेटा, और तेरी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता। मैं जानता हूँ मामा जी। अरे मामा जी, मैंने आपको एक बात होनी बताई। क्या मामा जी? मैंने चौधरी एंड सन्स के बिजनेस को पलेता लगाना शुरू कर दिया है। मामा जी, चौधरी एंड सन्स के हाथ से 3 सरकारी टेंडर्स निकल गए, आप देखिएगा उनके बिजनेस को मैं एकदम चौपट कर दूंगा। अरे वाह भांजे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, आ गले लग जा। क्या बात कर रही है? मेरे पति के लिए हमेशा से बुरा रहा, आज तक मेरे पति की कमाई पर ऐश करता रहा, लेकिन अब मैं इन दोनों मामा भांजी को एक साथ नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं रहने दूंगी।